दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ये कहते हुए सुना होगा कि एक ना एक दिन प्रलय आएगी और धरती खत्म हो जाएगी। हाल ही में विज्ञान ने भी कहा था कि एस्ट्रॉइड धरती की तरफ आ रहा है, लेकिन वो धरती के पास से गुजर जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में धरती पर जीवन खत्म हो सकता है? क्या सच में प्रलय आ सकती है? अगर आप ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो आज हम आपको यही सब बताने जा रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं कि आखिर किन कारणों या किस तरह से धरती तबाह हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम रोज ही ऐसी अद्भुत जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। ये तो सभी को पता होगा कि जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली हैं। अब सवाल ये है कि धरती किन कारणों से तबाह हो सकती है। इसमें सबसे पहला कारण हो सकता है ज्वालामुखी से तबाही। आइए इसके बारे में जानते हैं। ज्वालामुखी से तबाही। संभव है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएंगे, जबकि 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगर धरती पर ज्वालामुखी फटते हैं तो 85% जनजाति खत्म हो जाएगी। इस दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होगा, लेकिन जीवन अपने आप गायब नहीं होगा। धरती खत्म होने का अगला कारण हो सकता है शुद्र ग्रह के टकराने का खतरा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। शुद्र ग्रह के टकराने का खतरा। दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा कि मनुष्य जाति से पहले धरती पर डायनासोर का राज था, और विशालकाय डायनासोर का अंत शुद्र ग्रहों के टकराने के कारण हुआ था। यानी कोई बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकरा जाए तो दोस्तों सोचिए, अगर एक भारी भरकम शुद्र ग्रह के टकराने से विशालकाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। हालांकि ये काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि शुद्र ग्रह टकराता कहाँ है। कुछ बड़े शुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए जरूर है, लेकिन उससे पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि शुद्र ग्रह से जीवन पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता। इंसानी जीवन किसी न किसी कोने में बच सकता है। हाँ, अगर कोई ग्रह के आकार का पिंड धरती से टकराता है तो धरती से जीवन खत्म हो सकता है। आपको बता दें कि इतने बड़े आकाशीय पिंड पृथ्वी से 50 करोड़ साल के अंतराल पर ही टकराते रहे हैं। पृथ्वी के खत्म होने का अगला कारण हो सकता है जीवन से खतरा। आइए इसके बारे में जानते हैं। किसी और चीज से नहीं, जीवन से खतरा। एक बड़ी यूनिवर्सिटी ने दावा किया था कि इंसानों को सबसे बड़ा खतरा खुद से है। जीवन को सबसे ज्यादा खतरा खुद से ही है। करीब 2.3 अरब साल पहले वायुमंडल में काफी ऑक्सीजन का प्रवेश फोटोसिंथेसिस लाइफ के चलते हुआ था। वार्ड के मुताबिक सूर्य गर्म हो रहा है और पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। इसके चलते पठार और वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के बीच केमिकल रिएक्शन भी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। पौधों को खत्म होने से जीवन भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, पृथ्वी के खत्म होने का अगला कारण हो सकता है सूर्य का फैलना। आइए इसके बारे में जानते हैं। सूर्य का फैलना। अगर पहले की आशंकाएं निर्मूल साबित हुई तो सूर्य के चलते जीवन समाप्त हो जाएगा। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहने वाला है। हमने देखा है कि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के समुद्र सूख जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ेगा। ये सब 1 अरब साल में शुरू हो जाएगा, लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू करेगा। एक सूजे हुए तारे की शक्ल में यह 7.5 अरब साल में पृथ्वी को निगल जाएगा। हालांकि उम्मीद है कि पृथ्वी तब भी बच सकती है, क्योंकि सूर्य के फैलने से उसका वजन कम होगा। ऐसे में पृथ्वी का हिस्सा सूर्य की चपेट में आने से बच सकता है, लेकिन 2008 के अनुमान के मुताबिक इसके बावजूद पृथ्वी का अस्तित्व नहीं बचेगा। अगर ऐसा हुआ तो इससे बचने का एक ही रास्ता होगा, हमारे पास ऐसी तकनीक हो जिससे हम पृथ्वी को सुरक्षित सूर्य की चपेट में आने से दूर ले जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी का अधिकतम जीवन 7.5 अरब साल ही होगा। पृथ्वी के नष्ट होने का अगला कारण हो सकता है जब पृथ्वी का केंद्र जम जाएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। जब पृथ्वी का केंद्र जम जाएगा, पृथ्वी का केंद्र जमने से भी जीवन पूरी तरह खत्म हो सकता है। इस विषय पर 2003 में हॉलीवुड में द कोर नाम से फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म की कहानी है, पृथ्वी का केंद्र रोटेट करना बंद कर देता है। तब अमेरिकी सरकार पृथ्वी के केंद्र तक ड्रिलिंग करके रोटेशन को सही करने की कोशिश करती है। सरल भाषा में ये कहें कि अगर धरती की पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा और इससे
पृथ्वी का पूरा जीवन खतरे में आ सकता है। कभी मंगल के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र होता था जिसे उसने आज खो दिया है, और अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर होने की खबरें भी पिछले दिनों आती रही हैं। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कमी दिशा बदलने के चलते हुई है, घट नहीं रही। लाखों सालों में ऐसा अंतर आता रहता है। दोस्तों, पृथ्वी खत्म होने का अगला कारण हो सकता है गामा किरणों में विस्फोट। आइए इसके बारे में जानते हैं। गामा किरणों का विस्फोट यह करीब 5 लाख साल में तैयार होता है, मगर ऐसा हुआ भी तब तक हम जिंदा नहीं होंगे। वैसे क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? यह अभी तक रहस्य है। वैसे पृथ्वी पर जीवन का समापन गामा किरणों के विस्फोट से हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के राहुल जेमिनेज कहते हैं, अगर गामा किरणों में विस्फोट हुआ तो फिर पृथ्वी पर से पूरी तरह जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी किसी तरह से आकाशगंगा के केंद्र के करीब पहुंच जाती है तो पृथ्वी पर से जीवन नष्ट हो सकता है। हालांकि पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन कुछ दूसरे जीव जंतु बचे रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिसे धरती पर जीवन खत्म हो सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।